उसके लिए एक जो है हर्ब्स कह लें से या वेजिटेबल कह लें, लेकिन वेजिटेबल में शुमार होती है, जड़ी बूटियों में भी इसे शुमार किया जाता है। तो मैं आपके लिए पार्सलें लेकर आया हूँ, तो उससे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे इटालियन हर्ब्स के बारे में बताया था, सेज के बारे में, ऑर्गेनो के बारे में, और मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की जितनी भी चीज़ें, थाइम वगैरह के बारे में, तो इसी तरह जो है पार्सले के भी हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये धनिया से मिलती जुलती एक हमारी सब्ज़ी होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है खानों में खुशबू बढ़ाने के लिए, खाने को हज़म करने के लिए, और इसे जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। चलें दोस्तों, पार्सले जो है ये वाइडली मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है, लीबिया में यूनान में, और जितने भी बलकान की रियासत हैं वहाँ पे, लेबनान में, जॉर्डन में, इसराइल में, और इसके आसपास जितने भी कंट्री है, शाम, तुर्की और ईरान वगैरह में, पार्सले बहुत शौक़ के साथ जो है एज अ सीजनिंग और टॉपिंग या स्प्रिंकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इस वेजिटेबल को। और दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको इसके सबसे पहले फ़ायदे बताऊंगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी वो भी बता दूंगा। और दोस्तों सबसे पहले तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ऐसे लोग जिन्हें नींद नहीं आती, तो वो अपने सालन में या खुराक में इसे जो है रोटी के साथ भी पका के खा सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छी आपको नींद आएगी, आपके जो मसल्स को, आपके जो अज़ा को, ये रिलीफ देगा, सुकून देगा, जिसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ऐसे लोग जिनके दोस्त गदूद सही काम नहीं करते, मुख्तलिफ़ किस्म के गदूद जिसमें जो हमारे हैं पिछुटरी गदूद जो है, थायराइड जो गदूद है, और जितने भी टेस्टिकल्स टाइप के मेल्स के अंदर ऑर्गन्स वगैरह हैं, सबको ये ग्लैंड्स को बहुत अच्छे तरीके के साथ ताकतवर बनाता है, और उनकी जो है उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें इनिशियल स्टेट में कैंसर है या ने कैंसर नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, तो ऐसे लोग जो पार्सले का रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उन्हें कैंसर नहीं होता, या अगर माइनर कैंसर स्टार्टिंग में है तो इससे ये बिल्कुल महफूज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा इससे कैंसर, तो ये एंटी कैंसर है बहुत अच्छा। ऐसे लोग दोस्तों जिनको खून की कमी है, वो भी पार्सले को अपनी खुराक में शामिल करें, तो इसके अंदर आयरन भरपूर जो है मकदार में होता है, विटामिन वगैरह बहुत इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है खून की कमी को दूर कर देता है। और इसकी जो खुराक मैं आपको बता दूं, 1-2 टीस्पून पूरे दिन में से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे लोग जिनके हार्ट का प्रॉब्लम है, जिन्हें बाईपास भी जिनका हुआ हुआ है, या इवन देन अल्लाह माफ़ करें इनके आर्टरीज ब्लॉकेज है, ठीक है, अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा सर के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो सही सतह पर आ जाएगा, और जो इनकी जो कोलेस्ट्रॉल इनके शरियानों के अंदर जमा हुआ है तो वो बिल्कुल प्योरीफाइड होकर ऐसा सब पिघल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इनकी शरियाने बिल्कुल साफ हो जाएगी, जिनकी वजह से ये दिल के जितने भी मरीज़ हैं इससे सेहतयाब हो जाते हैं। सबसे इसे अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। दोस्तों ऐसे लोग जिनके कान में दर्द रहता है, पीप है, रेशा है, तो इसे जो है सरसों के तेल के अंदर पीस के तो कान में डालें, तो इससे ऐसा सा जो इनकी पीप और रेशा ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, और कान का दर्द दूर हो जाएगा। और इसे खुराक में भी आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये अफेक्ट करेगा, कान का दर्द आपको ख़त्म हो जाएगा। तो सर इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सीलेट पाई जाती है, कैल्शियम पाई जाती है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत करता है, मसूड़ों को की सूजन को दूर करता है, मसूड़ों को सेहतमंद बनाता है। और दोस्तों ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मादनियाती ज़रात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ऐसे लोग जिनकी जो नज़र कमज़ोर है, जिन्हें नज़र नहीं आता, जिनकी बसारत कमज़ोर है, तो वो इस्तेमाल करें तो उनकी नज़र जो है ठीक हो जाती है। और मैदे के लिए भी ये बहुत अच्छा है, मैदा जिनका आए दिन ख़राब रहता है वो भी इसे इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे तरीके के साथ इनका खाना हज़म हो जाता है, लेकिन मुनासिब मकदार में। चलें दोस्तों ये तो थे इसके पार्सले के कुछ फ़ायदे और बेनिफिट्स क्या हैं जिसे, और कुछ मैं आता हूँ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, ये लीवर को डैमेज करता है, वो किस तरह करता है, तो इसकी अगर आप एक्सट्रीम मकदार में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 50 ग्राम से ऊपर जिसे कहते हैं,
50 ग्राम से ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल में करेंगे पूरे दिन के अंदर, तो ऐसा ऐसा रूटीन में यूज़ करें तो आपका ये जो है जिगर को ख़राब कर देगा और ब्लड प्रेशर को ये लो करता है। इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट है और गैस पैदा करता है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिससे जिसम में बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है और ये डाइजेस्टिव में जो है फ़ायदा तो देता है, लेकिन जब आप इसे एक्सट्रीमली फाइबर को ज़्यादा लेंगे तो ये आपको डायरिया भी कर देता है, आपका पेट ख़राब कर देगा, पेचस मोशन लगवा देगा। तो इस वजह से इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों ये ठंडा होने की वजह से चेस्ट पेन भी पैदा करता है। सेम इसके वही बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो धनिया के होते हैं, क्योंकि इसी से मुवासलत है, बस इसकी जो है खुशबू में थोड़ा फ़र्क होता है पार्सले में और धनिया जो हमारा होता है। तो दोस्तों दूसरा इसका जो बैड इफ़ेक्ट है जिसे साइड इफ़ेक्ट कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, वो ये एलर्जी रिएक्शन पैदा करता है मुख्तलिफ बॉडीज़ के अंदर। कई अजसाम के अंदर ये स्नीजिंग पैदा करता है जिसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश पैदा करता है, एलर्जी करता है। तो ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम है वो भी इसे बिल्कुल कम लें, हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा ना लें पूरे दिन में। अगर बिल्कुल ही नहीं ना लें तो ज़्यादा बेहतर, तो अच्छी बात है। चलें दोस्तों ये तो थे पार्सले के फ़ायदे और नुकसान। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वेजिटेबल फ्रूट्स यानी वेजिटेबल फ्रूट्स और हर्ब्स जितने भी हैं हमारे स्पाइसेस वगैरह के उनके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आऊँगा। अगर आपको ये पार्सले के साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स पसंद आए तो इस मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मुझे इजाज़त दे के जिला फिर टेक केयर।